IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम घोड़े और हिरण की कहानी। हजारों साल पुरानी बात है, एक हिरण और घोड़े में बड़ी दोस्ती थी। एक बार किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया, मारपीट की नौबत आ गई। हिरन हल्का फुल्का और फुर्तीला था, उसने उछल उछल कर घोड़े को पीटा। मारपीट में घोड़े को बहुत चोट आई, उसे अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। घोड़ा कुछ ना कर पाया और हिरन मारपीट कर चलता बना। घोड़े को बहुत गुस्सा आया, उसने सोचा, मैं इस हिरन से जरूर बदला लूंगा, बदला लूंगा। घोड़ा बहुत दिनों तक जंगल में मारा मारा फिरता रहा। एक दिन उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो तीर कमान लिए शिकार की तलाश में फिर रहा था। घोड़े ने पूछा, भाई भाई आदमी, तुम जंगल में अकेले क्या करते फिर रहे हो? मैं शिकारी हूँ और शिकार की तलाश में हूँ। सुनो, अगर मैं तुम्हें कोई शिकार दिखा दूं, तो तुम क्या उसे मार दोगे? हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही ये है। इस जंगल में एक हिरन रहता है, तुम चाहो तो उसे मार सकते हो। मारने को तुम्हें मार दूं, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं उसके पीछे कैसे दौड़ सकता हूं। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उसे मार दूं। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और वहां ले चलो जहां वो हिरन रहता है। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं जी, आप बैठिए मेरी पीठ पर, आ जाइए। हाँ, ऐसे जी, जी। एक बात सुनो, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मैं तुम्हारे मुंह में लगाम डाल लूं। हाय, लगाम? लगाम से क्या होगा? लगाम से ये फायदा होगा कि जिस तरफ हिरन नजर आएगा मैं उसी तरफ लगाम मोड़ दूंगा, तुम उधर चल पड़ना। अच्छा। फिर मैं उसे अपने तीर का निशाना बना दूंगा। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, अच्छी बात है, तुम मेरे मुंह में लगाम डाल दो। घोड़ा तो हर कीमत पर हिरन से इंतकाम लेना चाहता था। शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम डाल दी, ठीक है, और दोनों हिरन की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी ही दूर गए थे कि हिरन नजर आया। यही है वो हिरन, तुम उसे मार दो। घोड़ा तेज तेज दौड़ने लगा, दौड़ते दौड़ते
वो हिरन के बिल्कुल करीब पहुंच गया। शिकारी ने तीर चलाया। तीर हिरन के सीने पर लगा। अब घोड़े ने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ कि तुमने मेरे दुश्मन का काम तमाम कर दिया। अब तुम अपना शिकार ले जा सकते हो। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। मुझे पहले नहीं मालूम था, अब पता चला है कि तुम तो बड़े काम के जानवर हो। ये कहकर उसने लगाम खींची। घोड़ा बेचारा बेबस हो गया। करता तो क्या करता? अरे, अरे लगाम निकालो, निकालो। क्या को? अब तो चलना ही पड़ेगा। अरे मैंने अपने दोस्त से बदला क्यों लिया? ये लगाओ। शिकारी घोड़े को बस्ती में ले आया। वो दिन और आज का दिन घोड़े के मुंह से लगाम नहीं निकली, और घोड़े का काम ही ये है कि वो आदमी को अपनी पीठ पर बैठाए फिरता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आपस का लड़ना झगड़ना ठीक नहीं। घोड़े और हिरण की कहानी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। संयोजन डॉक्टर चमन आरा, कलाकार परवेज गौहर, शमाइला परवेज और नीरज शर्मा, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।